हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डिकोमर DIY में। तो आज दो बहुत ही इंटरेस्टिंग DIY के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले DIY के लिए हमने एक ही कंटेनर लिया, प्लेन कंटेनर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें मैंने ऑयल लगा दिया, मस्टर्ड ऑयल लगा लो चाहे कोकोनट ऑयल लगा लें आप। और उसके बाद फिर इसमें मैंने वाइट सीमेंट में थोड़ा पानी मिलाकर ठीक कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाकर इसमें फैला दिया है। पेस्ट सही होना चाहिए, नहीं तो कई बार आप अच्छे से बन नहीं पाता, टूट जाता है। और अच्छे से फैलाकर इसमें इसके जो बबल्स हैं ना, उनको टैप टैप करके ना निकाल दें, जो है कि बबल्स आते हैं तो वो दिखते हैं। फिर ये कलर बॉटल्स की कैप थी हैं तो खाली थी, तो फेंकने से अच्छा है बॉटल्स कहीं यूज़ हो जाएंगी। कैप को हम यहाँ पर इसमें ऐसे यूज़ कर लेंगे। तो हमने इसमें इसके पाव बनाने के लिए यहाँ पर हमने इसको यूज़ कर लिया और ये सूखने के लिए रख दिया है। एक दिन बहुत अच्छे से पूरा सूखने रखे। अगर अभी जैसे बरसात अभी गई है और सर्दी आने वाली है, तो ऐसा होता है कि कई बार मॉइस्चर रह जाता है, तो कोशिश करिएगा देख कर कि एकदम एक दिन में ना निकालें, दो दिन तक अच्छे से सूखने रख दें। जब सूख के निकल जाए, अगर बिल्कुल प्लेन है तो उसको कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, स्मूथ करने की। अदरवाइज़ आप इस पर पेपर से इसे स्मूथ कर सकते हैं, सैंड पेपर से। फिर उसके बाद अब हम इसके ऊपर काम करेंगे मिरर का। तो मिरर का काम करने से पहले आपको हमेशा डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना चाहिए, नहीं तो अगर एक बार आप मिरर स्टिक कर देंगे तो वो फिर दिक्कत हो जाती है। तो कोई भी डिज़ाइन आप जब भी बनाएं तो पहले उस पर हम ड्रॉ कर लें और फिर से मिरर का स्टिक। तो मेरे को इसमें बाउंड्री बनानी थी बाहर, जो मैंने इसमें स्क्वायर मिरर स्टिक कर दिए हैं। आप मार्केट से भी ले सकते हैं ये वाले मिरर, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो मैंने ये ऑनलाइन मंगाए थे, ठीक रेट पे मुझे मिल गए थे। तो आप ऐसे ही डिज़ाइन करके, ये फ्लावर वाला डिज़ाइन बनाना था, ये मैंने इस पर पूरे पे डिज़ाइन मिरर्स इस पे ऐसे करके स्टिक कर दिए हैं। और इसको सूख गया था एक घंटे में ही, अच्छे से इसमें मिरर जो स्टिक करे थे वो अच्छे से सूख गए हैं। देखिए ये कैसा बनकर सुंदर सा रेडी हो गया है, मतलब मिरर का काम करके। आप ऐसे भी रखना चाहें तो वैसे रख सकते हैं, बट वैसे हम पर अब इसके ऊपर करेंगे मोज़ेक का काम। मोज़ेक काम करने के लिए मैंने लिए 2 चम्मच वॉल पुट्टी, उसमें लिया है 1 चम्मच फेविकॉल, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेने के बाद इसमें ना इसकी वो नहीं होनी चाहिए, कहते हैं ना जो मोटे मोटे गांठ नहीं बननी चाहिए, अच्छे से स्मूथ हो जाए तभी अच्छे से हो जाए। तो इसमें 2 चम्मच पानी मिलाया मैंने इसमें और अच्छा सा पेस्ट बना दिया। बहुत पतला पेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाता है। और फिर मेरे को ये येलो कलर के बनाना था, तो मैंने इसमें येलो कलर मिक्स किया। अगर आप बनाना चाहते हो तो आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से मिला लिया था, मिक्स कर लिया था, मतलब कोई बबल ना इसमें रहे। तो फिर ये पेस्ट मैंने टेक्सचर पेस्ट इस पर स्प्रेड कर दिया है, पूरा अच्छे से करने के बाद स्प्रेड कर दें। और इसको फिर ये सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दें। साइड एजेस में थोड़ा पेस्ट था, निकाल लिया तो मैंने ये रखा। बहुत लोग कहते हैं कि 10 मिनट में सूख जाता है, 15 मिनट में सूख जाता है, तो ऐसा हड़बड़ दड़ किसी में ना करें। पहले आप उसको टच करके देख लें कि वो सूखा है कि सच में नहीं सूखा है। कई बार ऐसा होता है 15 मिनट में गीला रहता है, नहीं होता। जब ऊपर का थोड़ा सूखने लगे तब आप हल्के गीले कपड़े से या स्पंज से उसको हल्के हल्के हाथों से साफ़ कर लें। और फिर उसके बाद फिर सूखे कपड़े से जो डस्ट रहती है उसको रिमूव कर लें। तो ऐसे ही मैंने किया। तो ये मैं इसमें येलो कलर ले रही थी, मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर येलो कलर यूज़ किया, फिर साइड में इसकी कलर पेज बचा था, यहाँ पर हम इसको येलो कलर से इसकी आउटिंग कर देंगे। यहाँ पर पूरा इसकी येलो कलर से करी है मैंने। अगर आप बनाना चाहें आप अपनी चॉइस के कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ये इसको सूखने रख दिया। और सूखने रखने के बाद देखो आप कितनी अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है, कहीं से भी क्रैक नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि हमारा क्रैक हो गया या टूट गया, तो ऐसा नहीं है, ये बनके इतना सुंदर रेडी हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ। जैसे हमने पहला टेबल बनाई, वो छोटी सी पूजा चौकी बनाई है, तो ऐसे ही करके मैं यहाँ पर बनाऊँगी 2 टेल लाइट। तो उसके लिए ऐसे ही सेम करना है जैसे पहले किया है। कंटेनर ले ले, छोटा बाउल या फूड कंटेनर, इसमें अच्छे से ग्रीसिंग कर ले। फिर उसके बाद वाइट सीमेंट घोल कर आप डाल दें और टी लाइट के लिए स्पेस बनाने के लिए रख दें। और फिर सूखने के बाद फिर आराम इजीली निकाल लें। और निकालने के बाद
जहाँ कहीं भी थोड़ा रफ हो तो उसको सैंड पेपर से रफ कर ले। वैसे मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं इसमें करने की क्योंकि प्लेन ही था, बस ये जहाँ पर टी लाइट लगाई गई थी वहाँ थोड़ा सा थोड़ा हार्ड हो रहा था, रफ़ हो रहा था, तो मैंने उसको स्मूथ कर दिया। अगेन इस पर फिर वही हमने मिरर का काम करना था तो मैंने इस पर मिरर स्टिक कर दिए। यहाँ मैंने इस पर डिज़ाइन नहीं ड्रॉ करा, यहाँ मैंने मिरर्स को पहले लगा कर देख लिया था कि डिज़ाइन जो बनाया था वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर उसी हिसाब से पैटर्न के हिसाब से मैंने इसमें मिरर्स को स्टिक कर दिया था। आप भी ऐसा बना सकते हैं और अपने घर में सुंदर सुंदर चीज़ों से अपने त्यौहार पे अपने हाथों से अपने घर को सजा सकते हैं, अच्छे अच्छे DIY बना सकते हैं। तो वैसा ही पेस्ट जैसे मैंने पहले वाले DIY में बनाया है तो वही पेस्ट मैंने यहाँ पर इसमें लगा दिया था। तो ये हल्का जब थोड़ा सा सूख गया, सूखने के बाद गीले हल्के हाथों से गीले कपड़े से हल्का हाथ से इसको साफ़ कर दिया, उसके बाद फिर ये सूखे कपड़े से इसकी डस्ट को रिमूव कर दिया और साइड एजेस पे अगेन वही शेड दे दी है येलो कलर की। और अगर आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हो तो आप लकड़ी के में भी बना सकते हो, लकड़ी के में भी मोज़ाइक का काम कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप सीमेंट का बनाएं, लेकिन मुझको थोड़ा यूनिक बनाना था तो मैंने ये ट्राई करा और सही में ये मेरा काम बहुत सक्सेसफुल रहा, मैं बहुत खुश हुई ये बनाकर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले तो मैं डर रही थी पता नहीं कहीं फेल ना हो जाए ख़राब ना हो जाए, पर नहीं, सही में देखो टूट तो हर चीज़ जाती है। अब कोई कहेगा कि सीमेंट के ऊपर बनाकर ये मेहनत करी टूट जाता है, टूटने के लिए तो लकड़ी का भी कुछ बनाए तो वो भी टूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, संभाल के रखने के ऊपर बात होती है। तो ऐसे बन के दो टी लाइट होल्डर आपके रेडी हो चुके हैं, तो आप आने वाले त्यौहार नवरात्रे में और दिवाली में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं बनाकर। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, मेहनत तो सभी में पड़ती है, पर हाँ अब बना जो इंटरेस्टेड हो वो बना सकते हैं। तो देखिए कितने सुंदर लगे हैं, और ऐसे ही और अच्छे अच्छे DIY के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।